उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड लागू करने के लिए देहरादून से दिल्ली तक मंथन जारी है। आज यूसीसी को लेकर एक बार फिर दिल्ली में बैठक हुई। उत्तराखंड सदन में 3 घंटे तक ड्राफ्ट पर मंथन हुआ। सरकार इस वजह से इस मामले में तेजी दिखा रही है क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही 30 जून तक कमेटी को ड्राफ्ट सौंपने की डेडलाइन दे दी थी। यूसीसी हमारी प्राथमिकता है और उत्तराखंड की जनता को उनको एक सुरक्षित वातावरण देना और जो जो कार्य उसके लिए करने के वो कर रहे हैं। कमेटी बनी थी, कमेटी की रिपोर्ट आने वाली है, फिर उसको जनता से पूछा जाएगा, सारे तरीके से मापदंडों से आगे कर उसको लागू कराया जाएगा। कॉमन सिविल कोड को लेकर जब पिछली बार कमेटी की बैठक हुई थी तब केंद्रीय लॉ कमीशन के सदस्य भी बैठक में शामिल हुए थे। कॉमन सिविल कोड को लेकर 14 जून को दिल्ली में बड़ा कार्यक्रम भी रखा गया है। इस कार्यक्रम में दिल्ली NCR के वो लोग शामिल होंगे जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं। उत्तराखंड के इन्हीं लोगों के साथ विशेषज्ञों की समिति चर्चा करेगी। इस मीटिंग में समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर सुझाव मांगे जाएंगे। उत्तराखंड में यूसीसी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर जो ड्राफ्ट तैयार हो रहा है उसकी आज बैठक हुई है। बैठक समाप्त हो गई। आप देख सकते हैं कि कमेटी के जो अध्यक्ष हैं रंजना प्रकाश देसाई वो यहां से जा रही हैं। अगर बात करें तो 14 जून को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो कमेटी है उसने तमाम सारे उत्तराखंड के जो नागरिक हैं दिल्ली NCR में रहते हैं उनको भी आमंत्रित किया है कि वो लोग आए अपना सुझाव दें और कमेटी में अगर कुछ अपनी बातें शामिल करवाना चाहते हैं तो उसको लेकर के भी अपनी बात रखें। तो 14 जून को उत्तराखंड के जो निवासी दिल्ली NCR में रहते हैं उनके साथ ही बैठक होगी। मुख्यमंत्री धामी ने बहुत पहले ही ये ऐलान कर दिया था कि प्रदेश में जल्द से जल्द कॉमन सिविल कोड लागू किया जाएगा। उत्तराखंड देश का पहला वो राज्य होगा जहां समान नागरिक संहिता कानून लागू होगा।